दर्शन न्यूज। बिहार में नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के विरोध में हल्ला बोल दिया है। वहीं बिहार में कई जगहों पर सक्षमता परीक्षा के एडमिट कार्ड चलाए जा रहे हैं, तो सिवान जिले के गुटनी प्रखंड के बीआरसी के प्रांगण में गुटनी प्रखंड इकाई प्राथमिक शिक्षक संघ व माध्यमिक शिक्षक संघ की संयुक्त बैठक विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सैकड़ों शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करते हुए संयुक्त रूप से यह शपथ लिया कि हम लोग सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेंगे और अन्य प्रखंडों के शिक्षकों को भी परीक्षा में भाग न लेने का आग्रह किया गया। इस सरकार में शिक्षकों को जिला बदर करने वाले नियमावली का घोर विरोध किया गया। आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने राज्य भर के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा लेने जा रही है। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर तथा इस नियमावली में संशोधन को लेकर बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों ने हल्ला बोल दिया है तथा अपनी मांगों को मनाने के लिए बिहार सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है तथा इस सक्षमता परीक्षा का पुरजोर विरोध किया है। वह शिक्षकों का कहना है कि यदि हमारी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो यह आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। परीक्षा नहीं देंगे, हम सभी पूर्ण रूपेण सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या आपको कमर और कमर के नीचे दोनों या एक पैर में दर्द या झिनझिनाहट रहता है या नसों में होती है दर्द, तो आपको साइटिका हो सकता है। अब पाएं सटीक इलाज, जल्द संपर्क करें सत्येंद्र प्रसाद, ग्राम पुष्ट बरेजा, थाना माझी, जिला सारण, बिहार, या अभी संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9931252609।